तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल नॉलेज मास्टर में। मेरा नाम है विनय कौशिक और आज मैं आपके सामने आ गया हूँ एक नई और नॉलेज से भरी वीडियो के साथ। आज मैं आपको इवोल्यूशन के बारे में बताने जा रहा हूँ। ये कहानी है आपकी, हमारी और पृथ्वी पर लाइफ के एग्जिस्टेंस की। ये सच है कि जीवन के अस्तित्व को एक अरसा बीत चला है। आज हमें लाइफ कई रूपों में देखने को मिलती है, एक ही जीव में कई प्रजातियाँ देखने को मिलती हैं। बात करें एनिमल्स की तो शेर, चीता, भालू सांप और ना जाने कितनी ही प्रजातियां जंगल में घूम रही हैं। जहरीले सांप से लेकर शिकार को निगलने वाले खौफनाक सांप तक आपको हर तरफ देखने को मिल सकते हैं। खैर, बात केवल सांप की ही नहीं है, असल सवाल जीवों में इतनी वैरायटीज का है। सवाल है कि आखिर इतने तरह के जीव धरती पर कैसे पनप गए, पृथ्वी पर एक ही तरह के जीवन क्यों नहीं पनपा। जब सब कुछ एक सिंगल सेल से शुरू हुआ तो इवोल्यूशन की कहानी इतनी लंबी और पेचीदा कैसे बन गई। अगर आप सोच रहे हैं कि आज हम ह्यूमन इवोल्यूशन पर बात करने वाले हैं तो आपका सोचना बिल्कुल गलत है। आज हम आपको विज्ञान की नज़र से वो कहानी सुनाने वाले हैं जब एक छोटे बेबीज की तरह जानवरों का पृथ्वी पर जन्म हुआ। इतिहास में पहली बार सांस लेने के लिए उनके फेफड़ों का निर्माण हुआ, देखने के लिए उन्हें आँख मिली और खुद की फॉर्मेशन के लिए एक अवसर मिला। तो अब से 4 बिलियन साल पहले ये है हमारी पृथ्वी। इसकी सतह पर केवल खौलते लावा के सिवाय कुछ भी नहीं था। यही लावा जल्द ही 9 मिलियन लिविंग स्पीसीज के लिए उनका घर बनने वाला था। खैर, ये रास्ता इतना भी आसान नहीं था। राख से जीवन को जन्म लेने के लिए कई घटनाएं होने वाली थी, लेकिन इनमें सबसे पहला पड़ा पानी था। एस्टेरॉयड और कमेट्स ने भले ही पानी को पृथ्वी पर छोड़ा था, लेकिन ये पानी केमिकल्स और ऑर्गेनिक कंपाउंड से भरा था जिन पर आसमान से कड़कते बिजली का पड़ना बाकी था। लाइट एंड स्ट्राइक के प्रभाव से पानी में मौजूद केमिकल एटम्स ने जुड़कर एक चैन बनाना शुरू किया जिसमें जेनेटिक मटेरियल का निर्माण हुआ। इस मटेरियल का खतरनाक वातावरण में बचना हालांकि मुमकिन नहीं था, लेकिन पानी में मौजूद ऑयली मटेरियल्स की वजह से पहले सिंगल सेल ने पनपना तय किया। पर अपनी फॉर्मेशन के बाद ये सिंगल सेल कहाँ चुप बैठने वाला था। 3.5 बिलियन ईयर साल पहले जेनेटिक मैसेज और केमिकल इंस्ट्रक्शंस के चलते इस सेल ने फर्स्ट टाइम खुद को कॉपी किया। ये जीवन की पहली कड़ी थी जिसने पृथ्वी पर कुछ अद्भुत कर दिखाया था। अपने क्लोन को तैयार करके इसने धरती पर जीवन की शुरुआत कर दी थी। तब ये सेल नहीं जानता था कि आगे चलकर इंसान, जानवर, पेड़ पौधे, चिड़िया और मैराइन एनिमल्स, ये सब कुछ इसी से विकसित होगा। अपने क्लोन को बना के ये सिंगल सेल रेप्रोड्यूस करना सीख गया था। 2 बिलियन साल तक रेप्रोड्यूस करते हुए सिंगल सेल की स्पीसीज ने खुद को ऐसे ही कायम रखा। लेकिन फिर एक घटना ने सब कुछ बदल दिया। गलती से 2 सेल्स का आपस में टकराव एक बाहरी बदलाव लेकर आया जिसके तहत 2 सेल्स आपस में मर्ज हो गए और उनके जीन्स भी आपस में मिल गए। दिलचस्प बात थी कि इस मर्ज सेल ने भी अपनी कॉपी बनानी शुरू कर दी। इससे उत्पन्न होने वाले बाकी सेल्स ने भी इस प्रक्रिया को जारी रखा। ये सेल्स रिप्रोड्यूस करते हुए और म्यूटेट करते हुए आगे बढ़ते रहे और धीरे धीरे पुराने जीन्स डिलीट हुए, नए जीन्स का फॉर्मेशन हुआ। पानी के अंदर चल रही इस फॉर्मेशन से वहाँ कई प्रजातियाँ पनपने लगी, लेकिन जो हमारे विकास के लिए जिम्मेदार थे वो थे 3 इंच लंबे वाटर बॉम्ब्स। पानी के अंदर ये 3 इंच लंबा जीव हम थे। आज से लगभग 550 मिलियन साल पहले ये वो समय था जब म्यूटेशन के चलते मेल और फीमेल जेंडर का विकास हो चुका था। अब हमारा मकसद रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया से अपनी जनसंख्या बढ़ाना था। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक नई और नॉलेज से भरी वीडियो के साथ। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड प्रेस द लाइक बटन।